हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कुकिंग विद आस्था चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने हरी मिर्च और लहसुन की चटनी लेकर के आए हैं। दोस्तों, इसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपके घर में धनिया या पुदीना नहीं है तो आप हरी मिर्च और लहसुन का इस्तेमाल करके के एक बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी और तीखी चटनी जो है बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमको तवे के ऊपर लहसुन और हरी मिर्च को रख देना है। अगर आपके पास हरी मिर्च नहीं है तो आप सूखी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने हरी मिर्च और लहसुन को तवे पे रख दिया है और इसको हम अच्छे से सेकेंगे। हरी मिर्च और लहसुन को हमें अच्छे से पका लेना है। 2 से 3 मिनट ही लगेंगे दोस्तों इसको पकाने में। इसको हमें बीच बीच में पलटते रहना है, चलाते रहना है, ताकि ये जले ना और ये चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। हरी मिर्च और लाल मिर्च को तवे पे पकाते वक्त गैस का जो फ्लेम है दोस्तों, लो ही रखें। हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम पे इसको ना पकाएं, लो फ्लेम पे ही पकाएं। हरी मिर्च और लहसुन को हमने अच्छे से सेक लिया है, हमने इसको बहुत बढ़िया से पका लिया है। अब हम इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर देंगे और इसके बाद हमें लहसुन को अच्छे से छील लेना है। लहसुन के छिलके दोस्तों बहुत अच्छे से जल चुके हैं, इसलिए इसको छीलने के लिए हम सभी लहसुन को अपने हाथ में लेकर के दोनों हथेलियों से इसे रगड़ेंगे और इसके जो छिलके हैं वो आसानी से उतर जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसे बहुत आसानी से छील सकते हैं। आम हमने अचार, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन और नमक, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके ग्राइंडर में हमें ऐड कर देना है और हम ग्राइंडर जो है वो चलाएंगे थोड़ा सा पानी को ऐड करते हुए। चटनी जो है दोस्तों बन करके तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड कर लेंगे और हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोस्तों, ये चटनी जो है बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने बनाया है, लेकिन ये खाने में बहुत ज़्यादा तीखी और टेस्टी भी है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन में आपको यूं ही जानकारी मिलती रहे। चाहे तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया दोस्तों।